ये पत्र कहां से आया है? क्या लिखा है? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम देखो। नहीं पापा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहां से आया है, किसने लिखा है? पीछे देखो, पोस्ट ऑफिस की मोहर लगी होगी। देखो कहां से आया है। खेड़ ब्रह्मा से आया है। वहां तो हमारे श्रीरंग स्वामी विचरण के लिए जाते हैं। उन्हें फोन करो। जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण। श्रीरंग स्वामी से बात कराओ। वो तो विचरण पर गए हैं। बापा, श्रीरंग स्वामी विचरण पे गए हैं। आते ही फोन करने को कहो उनसे। जी बापा। प्रमुख स्वामी जी दूर विदेश में थे, सात समंदर पार। अरे भाई, फोन लगाओ श्रीरंग को। जी बापा। श्रीरंग स्वामी से संपर्क करने के लिए वो लगातार प्रयास करते रहे। जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण। मैं नॉटिंगहम से बोल रहा हूँ। कल श्रीरंग स्वामी को फोन किया था। दिन और रात के फर्क की वजह से वो फोन नहीं कर पाए। अभी वो तलौत में डॉक्टर कांति पटेल के घर स्वामी बापा के फोन का इंतजार कर रहे हैं। जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण। श्रीरंग, एक चिट्ठी आई है। उस पर खेड़ ब्रह्मा पोस्ट ऑफिस की मोहर लगी है और नाम लिखने वाले की जगह पर लिखा है पारघी। बाकी क्या लिखा है कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पता करो ये चिट्ठी किसने लिखी है और उसकी समस्या क्या है। वो जरूर किसी मुश्किल में होगा। मुझे जैसे ही उस पत्र भेजने वाले के बारे में कुछ सूचना मिलती है, मैं आपको सूचित करता हूँ बापा। प्रणाम स्वामी जी। जय स्वामी नारायण। आपके गांव से किसी पारघी ने प्रमुख स्वामी जी को चिट्ठी लिखी थी। जानते हो किसी को? ना स्वामी जी, मुझे नहीं पता है। अरे भाई सुनो। प्रणाम स्वामी जी। किसी पारघी ने स्वामी बापा को चिट्ठी लिखी थी। हाँ। आप जानते हो उसे? अरे हाँ, वो रेशमा पारघी है ना, वो बापा को चिट्ठी लिखने वाला था। शायद उसी ने लिखी हो। वो अपना सत्संगी रेशमा? हाँ। कहाँ रहता है? चलिए मैं ले चलता हूँ। रेशमा, ओ रेशमा। हाँ। देख संत लोग आए हैं, तेरे बारे में पूछ रहे हैं। हाँ ले। आइए आइए स्वामी जी, आइए। जय स्वामी नारायण स्वामी जी। जय स्वामी नारायण। स्वामी बापा को तुमने चिट्ठी लिखी थी? हाँ 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 स्वामी जी। क्या समस्या है? स्वामी जी, बस्ती में एक हैंडपंप था, वो खराब हो गया है। साल भर से ज्यादा हो गया है। हमने बहुत कोशिश की लेकिन कहीं से कोई सहायता नहीं मिली। और हमारी बस्ती में कोई कुआं भी नहीं है स्वामी जी, इसीलिए गांव की औरतों को चार चार मील दूर जाना पड़ता है पानी के लिए। बेचारे, पानी के लिए चार चार मील चलना पड़ता है। हमें तुरंत उसकी सहायता करनी चाहिए। अगर हैंडपंप ठीक हो सकता है तो करवाइए, नहीं तो नया लगवाने की व्यवस्था कीजिए, वो भी जल्द से जल्द। जी बाबा। बापा अति उदार, सेवा व्रत को धार, भाग्य सबका संवारते, सात सिंधु पार, सुनते हैं पुकार, भक्त जिस घड़ी पुकारते, दूर है सभी भेदभाव से, सबकी भलाई करते हैं चाव से। उस दिन ऐसा माहौल था जैसे हमारे गांव में गंगा मैया प्रकट हो गई हो। स्वामी जी, बहुत बहुत मेहरबानी इस हैंडपंप को लगवाने के लिए। तुम हमें इसका श्रेय मत दो, ये श्रेय तो है प्रमुख स्वामी जी का। अरे स्वामी जी, हमें तो सब एकदम सपने जैसा लग रहा है। देखिए, हजार मील दूर बैठे प्रमुख स्वामी जी ने हमारे इस गांव को और हमको ढूंढ लिया। और स्वामी जी, ये पानी नहीं बापा का प्रसाद है हम सब गांव वालों के लिए। स्वामी जी, मैं और पूरा गांव बापा के इस उपकार को कभी नहीं भूल पाएंगे। पूरा गांव आपको प्रणाम करता है बापा। जय हो जय हो।